मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। हाँ जी, वोट किसको दोगे? रामनाथ गोडला तो दे भाई वोट। रामनाथ गोडला को दोगे? हाँ। क्या काम किया उसने? काम बहुत बढ़िया करता हूँ, काम बिना दान प्रण के लिए काम बहुत बढ़िया करता। अच्छा। हाँ, तो इसके अलावा कोई और? इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, कैसे देंगे वोट? काम तो करते ही नहीं। अच्छा, काम नहीं करते? काम नहीं करते। आप किसको दोगे वोट? रामनिवास गोडाला। रामनिवास गोडाला, हाँ जी। क्या काम किया उन्होंने आपका? मारा बहुत काम किया उसने, टिकट जान पहचान बहुत गया जाए बारे कुछ काम का वो काम करे, सारे काम करते हैं। हाँ, खुश हो उसके काम से? खुश है काम से। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। वोट किसको दे रहे हो इस बार? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी में से उम्मीदवार? देखो जो भी होगा। दो तीन नाम आ रहे हैं सामने, सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सिहाग है, तो किसको बेटर मानते हो? जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग को? काम करता है बंदा? करता है। खुश है उसके काम से? बढ़िया। नमस्कार अंकल जी, वोट किसको दे रहे हो इस बार? अबे तो भाई दूसरी यंत्र नहीं देवांगे। हाँ, काम से खुश हो उनके? काम ना करो तो अपन काम तक के वोट उसने देना है। हाँ ठीक है, नमस्कार जी। जोगीराम सिंह आपको देंगे? जोगीराम सिंह आपको दोगे? काम से खुश हो उनके? हाँ जी, नमस्कार जी। किसको दोगे वोट? जोगीराम सिंह आपको? जोगीराम सिंह आपको दे रहे? हाँ जी। खुश हो उनके काम से? खुश। वोट किसको दोगे? रामनिवास गोडले को। रामनिवास गोडले को? हाँ जी। क्या क्या काम किया उसने? उसने सारा जो भी काम करवाया मतलब अपने मोहल्ले का भी मतलब और भी अगर कोई काम हुआ अदरवाइज सारा काम करवाया। उनके काम से खुश हो आप? हाँ जी बिल्कुल खुश। हाँ, चलो जीत जाएगा इस बार? हाँ जी, बरवाड़ा हल्के में उनकी हवा है। हाँ जी, पूरी हवा है जी। चलो ठीक है, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। वोट किसको दे रहे हो भाई? जोगीराम सिंह। जोगीराम सिंह अंकल जी बोले तो आपने बोल दिया जोगीराम सिंह? ना ना, मारा जमा सही है। मैं तो हाँ, मारा पहले भी दिए उनको? नहीं, को दिए पहले भी हमने तो जानते हो उनको आप? जमा सत्संगी भाई है मारा जमा। सत्संगी भाई है? हाँ, तब वोट दे। हाँ, जदे देवा भाई। बोलना, वोट किसको दे रहे हो? जोगीराम सिंह को। जोगीराम सिंह, हाँ। जानते हो उनको? जाना भैया। अच्छा बंदा। हाँ। उम्मीदवार मारे लायक उठेगा नहीं, उसको ही देंगे उसको जी। हाँ, उसको देंगे। तो भाजपा की तरफ से दो दो दिन नाम आ रहे हैं, जो जोगीराम सिंह है, सुरेंद्र पुनिया है, तो किसको ठीक लग रहा है? ये पहले बारी आंगली नहीं रखेंगे जी। हाँ, पहले उम्मीदवार देखोगे फिर? हाँ हाँ, फिर देंगे। हाँ जी, आप किसको दोगे वोट? किसको दोगे? भाजपा को देंगे। भाजपा को दोगे? उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार तो भाजपा का ही होगा कोई। दो तीन नाम है जी, जोगीराम सिहाग है, सुरेंद्र पुनिया है, किसको लग रहा है आपके हल्के से? सिहाग। बरवाड़ा से? सिहाग। सिहाग, जोगीराम सिहाग। ये हल्का बरवाड़ा में आता है ना? उसी के लिए अभी बरवाड़ा में ही आवा है। वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार बीजेपी का हो, ये जोगीराम बता रहे। जोगीराम, जोगीराम ठीक है उम्मीदवार? हाँ ठीक है। सुरेंद्र चुनाव सिर के ऊपर है, तो क्या भाजपा जादू दोबारा कर पाएगी अपना? भाजपा आएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी। तो भाजपा से अगर आप मानो तो यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपके? भाजपा के तो फिर यहाँ से तो कमल गुप्ता ही हो गए दोबारा। फिर आपका ये बरवाला हल्का पड़ता है? सार में से बरवाला पड़ता है। बरवाला से बताओ ना आप। हम तो उसको चाहते हैं सुरेंद्र पुनिया को। सुरेंद्र पुनिया को और जोगीराम सिहाग? जोगीराम सिहाग उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा है, तो दोनों में से बेटर कौन सा है? जोगीराम सिहाग। जोगीराम सिहाग। उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार पार्टी फैसला करेगी, हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो अभी तक कोई नाम आपके सामने है नहीं? हमारे सामने आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सिहाग है। तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है? जोगीराम सिहाग है। जोगीराम सिहाग है। तो आप उनके काम से खुश हो? खुश हैं हम। कैसा इंसान है? बहुत बढ़िया है। मतलब उनसे मिलनसार है, हर आदमी। टिकट मिलेगी उनको तो सीट निकाल देगा? बिल्कुल निकालेगा जी, 100% निकालेगा। हाँ जी, वोट किसको दे रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को। उम्मीदवार कौन? कोई भी हो उम्मीदवार। आपके हिसाब से तो कोई उम्मीदवार होना चाहिए? ये बरवाड़ा हल्के से हम तो। आप बरवाड़ा हल्के की बात कर रहे हो? हाँ, बरवाड़ा हल्के से हम तो। नहीं, बरवाड़ा हल्के में दो तीन नाम है, सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सिहाग है। नहीं, सुरेंद्र पुनिया आएगा। सुरेंद्र पुनिया आएगा, बिल्कुल। जोगीराम सिहाग के बारे में? जोगीराम सिहाग आ गए, जोगीराम सिहाग को दे देंगे वोट तो। मतलब वोट जाएगा? वोट जाएगा बीजेपी को। कमल का फूल दिख रहा है सिर्फ। बस। तो भाजपा की तरफ से कौन? भाजपा किसी को खड़ा कर दियो? दो नाम आ रहे हैं, जोगीराम सिहाग एक, सुरेंद्र पुनिया। किसको किसका लग रहा है? देखो जी, जोगीराम से आके चांस हैं अगर। हाँ, सियागिया सुरेंद्र पुनिया भाई। शाका देखो, शाका है हिसाब किताब। सीट बीजेपी निकालेगी है? सीट बीजेपी निकालेगी, ये है।
सीट बीजेपी निकाल। जी भाई साहब, किसकी सरकार लग रही है? जोगीराम सिंह। जोगीराम सिंह भाजपा निकाल देगी सीट इस बार? भाजपा निकाल देगी। अगर टिकट ना मिली जोगीराम सिंह को, आजाद लड़ते हैं तो क्या रहेगा? सुरेंद्र पुनिया लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? उरे काम करवाया सुरेंद्र पुनिया ने, सारे काम एकदम छोड़ गए, टेंडर लेके जान रहे उसके आदमी ठीक करे सारे। अच्छा, हाँ मतलब सुरेंद्र पुनिया से खुश नहीं हो आप लोग? नहीं, खुश नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। जोगीराम सिंह आजाद लड़ते हैं उससे कुछ है? वोट तो हम मोदी के नाम से ही देंगे भाजपा को, लेकिन उससे ठीक है वो। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार हमें भी भाई साहब भाजपा की लग रही है। भाजपा में कौन उम्मीदवार होना चाहिए आपकी तरफ से? उम्मीदवार तो जोगीराम सिंह भी अच्छा है अगर मिल जाए तो। सुरेंद्र पुनिया और जोगीराम सिंह दो बंदों के नाम? हाँ, उसके अंदर हमें जोगीराम सिंह ही अच्छा लग रहा है। साफ छवि बड़ी आदमी है जी, और सिंह जी को ही लाइक कर रहे इस एरिया में सभी। सुरेंद्र पुनिया कभी इस एरिया में बीजेपी ने तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। दो नाम आ रहे हैं जी अभी सामने, जोगीराम सिंह, सुरेंद्र पुनिया। जोगीराम भी ठीक है, जोगीराम भी ठीक है। आड़े देवेंगे ना तो जोगीराम सिंह जीतेगा। अच्छा, और जो वो पुनिया ने सीट देवेंगे तो कोई और निर्दलीय जीतेगा। अच्छा, पुनिया ने सीट दोगे तो बाहर का जीतेगा कोई? जोगीराम 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 निकाल देगा सीट? बिल्कुल निकाल देगा। पिछली बार हमने वोट दिया था लेकिन हमारा एरिया में एक बार भी नहीं आए वो। सुरेंद्र पुनिया को हमने पिछली बार सब लोगों ने मिलजुल के वोट दिए, खूब जोर लगा के हमारा एरिया से जिताया था, लेकिन सुरेंद्र पुनिया एक दिन भी नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं आया। और ना आगे आएगा, ना वोट देगा, ना वोट देंगे उसको। अगर बीजेपी ने सुरेंद्र पुनिया को उम्मीदवार बना दिया तो क्या जीत पाएंगे इस बार? नहीं, हम वोट नहीं देंगे उसको, नहीं देंगे। अब भाजपा की तरफ से आइडिया को नहीं कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? दो नाम आ रहे हैं जी, सुरेंद्र पुनिया है, जोगीराम सिंह है। जोगीराम सिंह दे देंगे। जोगीराम सिंह को सुरेंद्र पुनिया के बारे में? सुरेंद्र कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और क्या क्या लग रहा है आपको, कौन सी तक इसमें? जोगीराम से आ गया, पक्का होगा? पक्का जी। और सुरेंद्र पुनिया को मिलेगी टिकट तो? कौन यहाँ मिले कौन जी। और कांग्रेस में बात करें तो किसकी किसका सपोर्ट करोगे? कहाँ पे कराए कौन कांग्रेस की जी जमाई? भाजपा है बस है। हम भाजपा है। जोगीराम से आ, सुरेंद्र पुनिया, जोगीराम से आगे होना चाहिए। जोगीराम साहब ठीक है आपके साथ, काम ठीक कर लेते हैं, ठीक कर रहे हैं। पुनिया साहब के बारे में क्या राय है? देखो हमारे हिसाब में तो ठीक नहीं है जी। उम्मीदवार कौन होना चाहिए? जोगीराम से आगे थोड़ा, हाँ एक तो पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागता वो, ईमानदारी से ही काम करने वाला आदमी, फिर सत्संगी भी उसके विचारधारा काफ़ी ठीक है। तो जोगीराम को टिकट मिलेगी तो जीत देगा यहाँ से? हाँ, जोगीराम आराम से, जोगीराम तो पिछली बार ही जीत गया आराम से, सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। ठीक है जी। उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार भाई जोगीराम सिंह। जोगीराम सिंह, हाँ बिल्कुल। काम किए हैं आपके? खूब ठीक है बंदा, बिल्कुल। टिकट काट देगा इस बार, जीत काट देगा बिल्कुल पक्की। किसने दोगे वोट? बीजेपी को। उम्मीदवार? उम्मीदवार ये बताए थे इन्होंने, ये सिंह, जोगीराम सिंह। हाँ, काम करवाए भाई? काम करवाया, आदमी ठीक है। हाँ, मिलनसार बंदा है। हाँ, मिलनसार बंदा है। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।